व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से शरीर हमारा ठीक रहता है, तंदुरुस्त हस्त पुष्ट रहता है। व्यायाम खेलकूद के माध्यम से भी किया जाता है। खेलकूद सुनियोजित ढंग से भी होते हैं और अपने तरीके से भी किए जाते हैं। लोगों ने इस खेल को एक व्यायाम के तरीके से मनोरंजन के तौर पर लिया भी है। अब ये एक नियोजित ढंग से यदि किया जाए, एक तरीके से किया जाए, तो इसको खेल की प्रतियोगिता किया जाता है, जिसमें हम दौड़ कह सकते हैं, तेज़ गति की दौड़, लंबी दूरी की दौड़, थ्रोस हैं, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी व्यायाम के ही एक साधन है, माध्यम है, जो खेल के माध्यम से हम करते हैं। इसी तरह लॉन्ग जंप, लंबी कूद, एक व्यायाम भी है और एक प्रतियोगिता का हिस्सा भी है। चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे एशिया के गेम्स हो या ओलंपिक के गेम हो, एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के होते हुए भी इसका जो एक मनोरंजन और एक इंटरेस्ट पॉइंट भी हमेशा रहा है। इसका कीर्तिमान हमारे देश का टीसी ऑनन के नाम से है, जो सन 1968 के अंदर बना था। 8.04 मीटर का है। इसी तरह इसमें ओलंपिक में या वर्ल्ड के अंदर लॉन्ग जंप हमेशा अमेरिकन खिलाड़ियों का वर्चस्व रहा है। आजकल ओलंपिक का जो रिकॉर्ड है, मिस्टर पावेल जो अमेरिकी एथलीट रहे हैं, उनके नाम है। वैसे लॉन्ग जंप प्रतियोगिता ज़्यादातर स्पीड वाले ही खिलाड़ी करते रहे हैं। कार्ल लेविस, जेसी ओवन, या जो भी स्पीड का एथलीट या खिलाड़ी है, उसने हमेशा ही लॉन्ग जंप में ज़्यादा योग्यता हासिल की है। लंबी कूद में शरीर को उछाल लेके सबसे दूर तक जाना होता है। अब लंबी कूद कैसे खिलाड़ी को करना चाहिए, इसके लिए शरीर हस्तपुष्ट और स्ट्रॉन्ग तो हो, क्योंकि उछाल लेने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर, बड़ा ताकतवर शरीर का होना चाहिए। साथ में वह तेज़ गति वाला हो, जैसे अंजू बी जॉर्ज हमारे देश की एक महान एथलीट हैं, जो एक दुनिया के लेवल में भी उसने जंप किए हैं। वो करीब 6 फुट लंबी है और उसमें स्पीड भी है और ताकतवर भी है, क्योंकि यदि शरीर के अंदर ताकत है तो वो शरीर को उछालेगा। यदि आप तेज़ दौड़ते हैं तो उस उछाल के बाद में उसको दूर तक ले जाओगे। लॉन्ग जंप में जितना उछल के सबसे दूर जा सकता है, वो ही विजेता होता है, वही प्रतियोगिता को जीतता है। इसी तरह लॉन्ग जंप वो करने के लिए किन किन तरीकों का और कैसे किया जाए, इसके बारे में जानते हैं। लंबी कूद खेल के लिए सबसे ज़रूरी है मैदान। जहाँ से खिलाड़ी दौड़ता है उसे कहते हैं रनवे। रनवे के बाद आता है टेक ऑफ बोर्ड, जहां से खिलाड़ी छलांग लगाता है, और जरूरी है लॉन्ग जंप पिट, यानी कूदने का गड्ढा। रनवे पर खिलाड़ी दौड़ता है और टेक ऑफ बोर्ड से छलांग लगाकर पिट में कूदता है। जो खिलाड़ी जितनी अधिक लंबी छलांग लगाता है वही विजेता होता है। रनवे खिलाड़ी के दौड़ने की जगह। इसके दोनों ओर दो सफेद पट्टियां होती हैं, जिनकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और रनवे की लंबाई होती है 40 मीटर। इसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। 40 मीटर की दूरी खिलाड़ी तेजी से दौड़कर पार करता है और टेक ऑफ बोर्ड पर अपना एक पैर रखकर लंबी छलांग लगाता है। टेक ऑफ बोर्ड का लंबी कूद खेल की स्पर्धा में विशेष स्थान है। इसकी एक बनावट है। यह बोर्ड 1.22 मीटर लंबा होता है और 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस बोर्ड का आधा हिस्सा प्लास्टिक या मिट्टी से बनाया जाता है। रनवे पर खिलाड़ी दौड़कर टेक ऑफ बोर्ड पर पहुंचता है तो उसे बोर्ड पर पैर इस प्रकार रखना होता है ताकि पैर का निशान मिट्टी पर ना पड़े। टेक ऑफ बोर्ड को रनवे यानी ट्रैक के बराबर रखा जाता है। ये बोर्ड
रनवे में समतल लगाया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड से कूदने का गड्ढा यानी पिट की दूरी 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है। टेक ऑफ बोर्ड से खिलाड़ी उछाल लेकर पिट में कूदता है। कूदने का गड्ढा यानी पिट की लंबाई 10 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर होती है। पिट को खोदकर मिट्टी में रेत और बुरादा मिलाकर उसे नरम बनाया जाता है ताकि खिलाड़ी के पिट में कूदने पर उसे चोट न लगे। पिट का समतल होना बहुत जरूरी है। पिट रनवे से न तो नीचे हो और न ही ऊपर हो, बिल्कुल मैदान के बराबर हो, यानी पिट ट्रैक के लेवल में होनी चाहिए। पिट और ट्रैक समतल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब खिलाड़ी टेक ऑफ बोर्ड से लंबी छलांग पिट में लगाए तो छलांग कितनी लंबी है उसे ठीक प्रकार से मापा जा सके। खिलाड़ी के छलांग लगाकर पिट में कूदने पर उसके शरीर का जो भी हिस्सा जमीन को पहले छुएगा वहीं तक छलांग की दूरी मापी जाएगी। दूरी को मापने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है। जो खिलाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करता है वही होता है विजयी यानी प्रथम। लंबी कूद खेल के लिए खिलाड़ी के कपड़े ऐसे हों जो छलांग लगाते समय बाधा न डालें। ज्यादातर खिलाड़ी शॉर्ट्स यानी निक्कर और बनियान पहनते हैं। खिलाड़ी के जूते स्पाइक्स होने चाहिए। स्पाइक्स जूतों के नीचे 4 से 6 छोटी कीलें होती हैं जो कि खिलाड़ी को दौड़ने व छलांग लगाने में सहायक होती हैं। खिलाड़ी ऐसे जूते न पहने जिससे खिलाड़ी को उछाल लेने में मदद मिले। ऐसा होने पर खिलाड़ी को खेल से बाहर कर दिया जाता है। लंबे कूद के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है साइकिल कूद, दूसरा है चिप स्टाइल, लंबी कूद का तीसरा तरीका है हैंग स्टाइल साइकिल कूद। इसमें एथलीट रनवे से दौड़कर टेक ऑफ बोर्ड से उछाल लेकर पैरों को साइकिल की तरह चलाता हुआ लंबी छलांग लगाकर पिट में कूदता है। जितनी लंबी खिलाड़ी छलांग लगाता है वही दूरी उस खिलाड़ी की लंबी छलांग है। दूसरा है चिप स्टाइल। इस तरीके से खिलाड़ी रनवे से दौड़ता हुआ आता है और टेक ऑफ बोर्ड से उछाल लेता है। इसमें खिलाड़ी के हाथ और पैर आगे चिप की तरह बन जाते हैं। इस तरीके से वो जो दूरी तय करता है वही उसकी लंबी कूद होती है। तीसरा तरीका है हैंग स्टाइल। हैंग स्टाइल में खिलाड़ी रनवे से दौड़ता हुआ आता है और टेक ऑफ बोर्ड पर पैर रखकर छलांग भरता है। छलांग लगाते समय खिलाड़ी अपने हाथ और पैर पीछे की ओर तीर कमान की तरह मोड़ लेता है और जितनी लंबी से लंबी छलांग वो लगा सकता है लगाता है। यही उस खिलाड़ी की जंप है। लंबी कूद खेल में इन नियमों का ध्यान रखें। खिलाड़ी जंप लेते समय जमीन को न छुएं। खिलाड़ी रनवे पर ही दौड़ें, इधर उधर नहीं। टेक ऑफ बोर्ड पर अपना पैर ठीक जगह पर रखें। लंबी छलांग लगाकर ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करें। नियमों का पालन न करने पर हो जाता है फाउल। रनवे पर दौड़ते समय अगर खिलाड़ी रनवे छोड़कर इधर या उधर से दौड़ता है तब होता है फाउल। खिलाड़ी का अगर दौड़ते समय टेक ऑफ बोर्ड से छलांग लगाते समय शरीर का कोई भी हिस्सा जमीन को छू लेता है तब होता है फाउल। टेक ऑफ बोर्ड पर मिट्टी पर खिलाड़ी के पैर का निशान आ जाए तब होता है फाउल। खिलाड़ी
पिट में कूदने के बाद वापस लौट आए तब हो जाता है फाउल। खिलाड़ी के जूते अगर स्प्रिंग वाले पाए जाएं तो भी हो जाता है फाउल। कोई भी नशीली दवाएं या कोई बैंड सब्सटेंसेस या नशीली दवाओं के तौर पे दवाई से कभी भी कंपटीशन नहीं लड़ना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कानून का भी उल्लंघन है, साथ में इससे शरीर भी खराब होता है। लंबी कूद में साधारण व्यायाम तो जरूरी है ही, परंतु कुछ विशेष व्यायाम का इस खेल में अपना एक अलग स्थान है। इन व्यायाम से खिलाड़ी के कंधे, हाथ, पैर और जांघें मजबूत होती हैं। जिससे खिलाड़ी को उछाल लेने में मदद मिलती है। दौड़ने के लिए ये व्यायाम बहुत जरूरी है। पिट में कूदने के लिए स्टैंडिंग जंप यानी एक जगह खड़े होकर उछाल लेकर दूरी पार करना बहुत उपयोगी है। इससे खिलाड़ी लंबी कूद अच्छी प्रकार लगा सकता है। आप भी एथलीट बन सकते हैं। एक बार शुरुआत तो करें।